जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज किस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले सीटेट जुलाई 2024, ठीक है। और जैसा दोस्तों आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्जामिनेशन आप लोग को 7 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। 7 जुलाई को होने वाला है दोस्तों। अभी हम लोग मोटा मोटी मान के चलिए अभी हम लोग का 1 महीना ही समय बचा हुआ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि 1 महीने में, सिर्फ आप लोग 1 महीने में पढ़कर सीटेट क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को कैसे गढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी की रिकॉर्डिंग में तो हम लोग आज की इस वीडियो में आप लोगों को बात करने वाले कि सिर्फ एक महीने में पढ़कर सीटेट एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी अभ्यर्थीगण 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक सीटेट एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पा रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग रणनीति बताने वाले। देखिए, किसी भी चीज को फतह करने के लिए, जीतने के लिए एक सटीक रणनीति का आवश्यकता होता है, ठीक है। बिना रणनीति किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकती है, और रणनीति के साथ साथ उसका लक्ष्य भी, गोल भी होना चाहिए किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज उसी की रिकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, क्या कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि देखिए सीटेट का आप लोगों को सिलेबस को और सिलेबस में आप लोग फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्या करना है, सीटेट का जो भी आप लोगों का सिलेबस में दिया हुआ, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आप लोग पेपर 2 में आप लोगों मैथ की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, चाहे SST की बात करते हैं, जो भी आप लोगों का फील्ड है उसके अकॉर्डिंग, चाहे CDP की बात करते हैं, चाहे हिंदी की बात करते हैं, चाहे हिंदी की बात, चाहे इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों भी सब्जेक्ट बताएं या फिर जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, अगर वो सबको, अगर आप लोग अभी समय कितना है, 1 महीना मोटा मोटी मान के चलिए, तो आप लोग क्या करना है चैप्टर वाइज, ठीक है, क्या करना है चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोग पहले से ही पढ़े ही होंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। क्या करना है तो देखिए आप लोग चैप्टर वाइज इसको खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी कीजिए खुद से। और देन उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, देखिए सेल्फ स्टडी किए, ठीक है, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया उस चैप्टर के बाद उसका जो भी MCQ बनता है, MCQ आप लोगों उसको मानिए, ठीक है। MCQ देने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि थ्योरी में आप लोग किस स्तर का पढ़े हैं, ठीक है, नहीं तो पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों को दिमाग से निकल ही जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्या करना है, MCQ आप लोगों को साथे साथे करते जाना है चैप्टर वाइज, ठीक है। हम लोग CDP की बात कर रही है ना, CDP की बात कर रही है दोस्तों। अब आप लोग आ जाइए लैंग्वेज पेपर में, हिंदी की बात कीजिए, है ना, और हिंदी की बात करते, हिंदी में भी आप लोगों को सही चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ लेना जो भी आप लोग सिलेबस में दिया हुआ है ना, जो भी आप लोग सिलेबस में सीटेट के द्वारा दिया गया है उसको आप लोग पढ़ के उसका फिर उसी तरह उसका भी MCQ कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए आप लोग इंग्लिश हो गया, ठीक है, इंग्लिश को भी आप लोग उसी तरह कर सकते हैं। इंग्लिश देखिए आप लोग सुनने में, जो हिंदी मीडियम के होंगे उन लोगों को बहुत ही डर लगता होगा, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, क्योंकि आप लोग इंग्लिश जिस स्तर पे पूछा जाता है वो मतलब जिस तरह कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उस तरह के यहाँ पे नहीं पूछा जाता, यानी कि पूरा इजीली आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए उसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइंस की, ठीक है, साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में देखिए आप लोग क्या रहने वाला है, साइंस में भी उसी तरह आप लोग चैप्टर वाइज पढ़िए। साइंस में आप लोग का 3 पोर्शन हो जाता है, है ना, एक आप लोग का फिजिक्स हो गया, और आपका एक केमिस्ट्री हो गया, एक आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है। आप लोग इसमें बताने वाले हैं कहाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, नहीं आता है, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके बाद मैथ की बात करते हैं, है ना, और मैथ में दोस्तों ये आप लोग का ज्यादा नहीं, आप लोग ना 4 से 5 टॉपिक आप लोग पढ़ लेते हैं ना मैथ में, आप लोग का वहीं से सारा प्रश्न देखने को मिलता है, राइट। इसमें भी आप लोग क्या करना है, इसमें भी आप लोग को पढ़ लेना है, जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो जहां भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप लोग सचिन अकेडमी की बात करते हैं, चाहे मीमांसी मैम की बात करते हैं, यानी कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग अभी रिविजन कीजिए, पढ़िए, ठीक है, इसको भी उसी तरह चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। उसके बाद इसको मैथ तो ऐसा चीज है कि ये आप लोग का क्या बोलते हैं, और प्रैक्टिस का चीज है ना, प्रैक्टिस का चीज है, इसीलिए आप लोग को प्रैक्टिस करते रहने की आवश्यकता है, ठीक ना।
देन दोस्तों उसके बाद हम लोग कर रहे थे होगा किसमें आप लोग सीटेट में आप लोग कितना 150 क्वेश्चन रखा था। देखिए बेसिकली हम बात कर रहे हैं पेपर टू का, ठीक है, ये पेपर टू का बात कर रहे हैं जो कि 6 to 8 क्लास के लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग का सीडीपी में आप लोग देखिए 30 प्रश्न रहता है, ठीक है, और हिंदी की बात करते हैं हिंदी में 30 प्रश्न आप लोग देखने को मिलता है, इंग्लिश में 30 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है, साइंस की बात करते हैं साइंस में 30 प्रश्न देखने को मिलता है, मैथ की बात करते हैं और मैथ में आप लोग का 30 प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग सीडीपी, ठीक है, सीडीपी अगर आप लोग पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये सभी में आप लोग का काम देने वाला है, ठीक है। अगर सीडीपी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप लोग इन सभी में भी काम देगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, देखिए हिंदी हो गया, हिंदी में आप लोग का 10 प्रश्न आप लोग पेडागोजिस रहने वाला है, ठीक है, और यहाँ भी 10 रहने वाला है आप लोग का, साइंस में भी 10 रहने वाला है आप लोग का, मैथ में भी 10 रहने वाला है, ठीक है, और एसएसटी जिनका होगा दोस्तों यानी कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे एसएसटी होगा उनका रहता है कितना 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन रहता है जिसमें से उनका 20 पेडागोजी रहता है, कितना रहता है 20 पेडागोजी रहता है। इसीलिए आप लोग से बोलेंगे यही कि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट को आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेने कर सकता है, क्योंकि ये अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ये सब आप लोग का क्या बोलते हैं आप लोग का नंबर जो होता है इंक्रीज होगा, है ना। देखिए आप लोग कैसे इसमें आप लोग सफलता हासिल कर सकते हैं, तो देखिए आप लोग को क्या करना है, देखिए आप लोग का सीडीपी, ठीक है, सीडीपी में आप लोग फोकस कर लेना है, ठीक है, इसमें आप लोग कम से कम लाने की 25 कीजिए, 25 प्लस, ठीक है, 25 प्लस लाने का प्रयास कीजिए। आप देखिए हिंदी है ना, हिंदी ज्यादा कठिन नहीं आता है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग इसमें भी 25 प्लस ला सकते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग मोटा मोटी 20 प्लस ला सकते हैं, है ना। साइंस की बात करते हैं साइंस में भी आप लोग अच्छे तरीके से अगर सीडीपी पढ़ लेंगे तो 10 नंबर इधर से आ जाएगा, उधर से क्या आप लोग 15 नंबर नहीं ला सकते हैं, है ना, इसमें भी आप लोग 25 मोटा मोटी मान लीजिए, है ना। और मैथ की बात करते हैं दोस्तों, मैथ में आप लोग 30 में 30 ला सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें आप लोग का डिफिकल्ट नहीं रहता, एकदम लो लेवल का रहता है, ठीक है, उतना भी हाई नहीं रहता, जैसा और जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन पूछा जाता है उस तरह का आप लोग देखने को नहीं मिलता है, है ना। इसीलिए आप लोग मैथ में 30 में 30 आप लोग लाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे आप लोग टोटल कितना हो गया, देखिए 25 25 25 75 75 और 30 आप लोग कितना हो गया 105 और 105 और 20, ठीक है, ये आप लोग का लगभग 125 है ना। यानी कि दोस्तों आप लोग इस तरह से अगर आप लोग इसको सर स्टूडेंट का कमेंट आता है सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं सीडीपी में, सीडीपी में आप लोग कम से कम 2 घंटा दीजिए समय, ठीक है, 2 घंटा दीजिए आप लोग समय। बात करते हैं हिंदी का, तो हिंदी का आप लोग 1 घंटा भी दे दीजिएगा तो ये इनफ है, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग 1 घंटा भी दे दें ये भी काफी है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करें साइंस की, है ना, साइंस में आप लोग इसमें भी आप लोग 1 घंटा, इसमें 2 घंटा आप लोग दीजिए, ठीक है, इसमें 2 घंटा देने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं मैथ की, ठीक है, किस चीज की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं दोस्तों, मैथ में ये आप लोग का इसमें भी 2 घंटा आप लोग दीजिए, है ना, कितना देना है और 2 घंटा देने की आवश्यकता है दोस्तों। आप लोग इतना कर लेते हैं तो आप लोगों को निश्चित रूप से आप लोगों को सिलेक्शन होनी चाहिए, कोई नहीं रुक सकता। और दोस्तों ये आप लोगों को और बता देना चाह रही आप लोगों को और क्या करना है कि आप लोगों का जितने भी हो सकता है मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है, ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोगों को देने की आवश्यकता है, ठीक है, जितना भी हो सकते हो दोस्तों आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, और रोज कम से कम 2 मॉक टेस्ट, ठीक है, रोज आप लोग को कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। इससे आप लोग का क्या होगा एग्जामिनेशन में जो आप लोग इसका रिजल्ट आप लोग देखने को मिलेगा, आप लोग एग्जामिनेशन में सही समय में आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक मानना रहता है कि एग्जामिनेशन में जाते हैं, एग्जामिनेशन में होल जाते हैं तो पता चलता है कि सब क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी गलत कर देते हैं, ये गलत कैसे कर देते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहना है, है ना, और निरंतर प्रैक्टिस करते रहना, कम से कम वही बोले रोज 2 मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और अभी ये आप लोग का देखिए अभी 15 दिन आप लोग सिर्फ रिविजन में लगा दीजिए, ठीक है, 15 दिन आप लोग सिर्फ अभी और रिविजन में लगाइए, ठीक है ना,
किस चीज में लगाइए और रिवीजन में आप लोग सिर्फ अभी 15 दिन लगाए, उसके बाद 15-16 दिन बचे उसमें क्या करना है। देखिए रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को वही बोले रोज मॉक टेस्ट देते रहना है, ठीक है। और क्या कहना है, जितना भी आप लोग देखिए 2011 से आप लोग सीटेट की एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो 2011 से जितना भी प्रश्न होता है उसको आप लोग सोल्व करके जाइएगा, है ना, सोल्व करके जाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, PQ वाई, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाते हैं तो आप लोग का आप लिख के देते हैं, ठीक है, लिख के देते हैं 100% आप लोग का 80% तो प्रीवियस ईयर से ही आप लोग का सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग सीटेट में आप लोग 130 या फिर आप लोग पास करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है, आप लोग जो भी आप लोग सब्जेक्ट है उसको आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, उसको रिवीजन करते रहिए, राइट, और रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए समय समय पे, और अपने जो पढ़ते हैं उसको आकलन करते रहने होगा, ठीक है, मूल्यांकन करते रहना होगा। और वही बोले आप लोगों रोज कम से कम 2 मॉक टेस्ट देना तो अनिवार्य है, ठीक है। और जितना भी 2011 से लेके 2024, ठीक है, 2024 के मध्य में जितने भी सीटेट के द्वारा एग्जामिनेशन लिया गया है उसको आप लोग कर लेते हैं, और जो सिलेबस आप लोग दिया गया उस नोट्स को आप लोग या फिर जहां भी आप लोग क्लास कर रहे हैं उसको पढ़ के जाते हैं तो आप लोग को निश्चित रूप से आप लोग को सीटेट में आप लोग पास कर जाएगा। पास ही नहीं कर जाइएगा जो कि आप लोग थंडल में ही देख के पता होगा, आप लोग को 130 प्लस भी कर सकते हैं सिर्फ 1 महीने में, ठीक है। तो आप लोग अभी अगर सीटेट पास करना है, ठीक है, अपने सपनों को अपने सपनों तक पहुंचना है, अपने गोल पे पहुंचना है, तो आप लोग ये करना होगा जितना आप लोग बताएं, रोज आप लोग को मॉक टेस्ट देना, आप लोग रोज रिवीजन करते जाना है, ठीक है, कि कभी 1 महीना का समय आप लोग रिवीजन करने के सब, ठीक है। अभी बोलिए कि नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आप लोग पॉसिबल ही नहीं है, जहां से भी आप लोग नोट्स मिलता है मंगवाइए, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म में, उन सभी से मंगवाइए और पढ़िए। आप लोग को फिर से बोल रहे हैं 1 महीना में आप लोग 130 प्लस ला सकते हैं, जितना आप लोग बता दिए उतना अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ देख दोस्तों फिर से बोल रहे हैं फिर भी ऐसे क्वेश्चन आप लोग सिर्फ करके जाते हैं तो आप लोग का पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आप लोग फिर से बोल रहे हैं पास होने से सीटेट में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो जितने भी सीटेट के तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो भी स्ट्रेटजी हम आप लोगों के लिए बताएं इसको फॉलो कीजिए तो आप लोग निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने से और सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। सीटेट के जो तैयारी करते हैं जो एग्जाम देते हैं वो फेल हो जाती है, वो किसी न किसी के कैसे फेल होते हैं, टाइम मैनेजमेंट की वजह से। वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देख जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा के जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो आप लोग पता कैसे चले किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से प्रश्न आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग का क्या बोलते हैं सीटेट के द्वारा बहुत सारा आप लोग का दिया गया है, टॉपिक दिया गया तो सभी से प्रश्न नहीं ना आते हैं, तो जिससे आते हैं तो उससे आप लोग ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है कि नहीं। और वही आप लोग पता कैसे चलेगा, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा और प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाइएगा तब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह का नहीं आता है। और इससे आप लोग जो समय दिया हुआ रहता है, ठीक है, और उतना ही समय में आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उससे आप लोग का वहां पे आप लोग बेनिफिट होगा, एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग लगातार मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है, देखिए सीटेट ही नहीं बल्कि भारत के आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो अगर उसमें आप लोग सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी कंपलसरी है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ही जाना, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है, ठीक है। आप लोग मॉक टेस्ट दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिएगा तो आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन को फॉल सकते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन आप लोग महारत हासिल कर सकते हैं यानी कि पास कर सकते हैं, ठीक ना। तो जो भी आप लोगों को बताएं वो आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग इसका एग्जामिनेशन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी मांग चलिए मोटामोटी 30 दिन है, ठीक है, 30 दिन में कम से कम आप लोग 50, ठीक है, 50 आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है, टेस्ट दीजिए, इतना दे लेते हैं तो आप लोग को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, सीटेट पास करने से कोई नहीं रोकता, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग अपडेट पाने के लिए आप लोग जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।